और चलिए अब रुख करते हैं गाँव अधारियों की खबरों की ओर। के कामों में सर्राफा व्यवसायी मर्डर मामले में 7 दिनों का आंदोलन एसडीएम के आश्वासन पर समाप्त हुआ। 11 दिन में हत्यारों को नहीं पकड़ा गया तो वापस आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी गई। सवाई माधोपुर के खंडार में शिक्षक कैलाश चंद्र योगी द्वारा रिश्वत लेने का मामला सामने आया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने खंडार बीईओ का भी नाम लिया। एसीबी ने तथ्य जुटाने के बाद खंडार बीईओ भरतलाल मीणा के खिलाफ भी मामला दर्ज किया। अलवर के रामगढ़ में पूठी गांव के पहाड़ के पास लीज धारकों ने गौचर भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। अतिक्रमण कर गौचर भूमि पर खनन सामग्री पटक रहे हैं। अतिक्रमणकारी धमकी देते हैं। कोटा के इटावा में नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ रही हैं। देर रात तक शराब बेखौफ बेची जाती है। लोगों ने बताया कि दोगुने दाम वसूले जाते हैं। वहीं पुलिस की मिलीभगत से शराब ठेकेदारों के हौसले बुलंद हैं। दौसा के लालसोट में ग्राम पंचायत झापदा से लेकर जमा चौराहे तक मुख्य सड़क जर्जर हो गई है। आमजन और वाहन चालकों को परेशानी हो रही है, लेकिन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। अजमेर के केकड़ी में चिकन पॉक्स से एक बच्चे की मौत के बाद चिकित्सा महकमा जागा है और घर घर सर्वे शुरू किया गया। सर्वे में अन्य मरीजों की पुष्टि नहीं हुई। धौलपुर के बाड़ी में थाना पुलिस ने 6 जून को सैंपुर रोड पर हुई फायरिंग, लूट और दहशत फैलाने के मामले में कार्रवाई करते हुए नामदर्ज आधा दर्जन आरोपियों में से एक को गिरफ्तार किया। हनुमानगढ़ के टिब्बी में सट्टा लगाते एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। तलवाड़ा झील पुलिस थाने ने कार्रवाई की। वहीं मौके से 1815 रुपये बरामद हुए हैं। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में उपस्वास्थ्य केंद्र और आंगनवाड़ी केंद्र में शौचालय नहीं बना। केंद्र में आने वाले बच्चों और महिलाओं को खुले में शौच के लिए जाना पड़ता है। जैसलमेर के रामगढ़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बदहाली का शिकार है। जिम्मेदारों की लापरवाही और उदासीनता के चलते मरीज परेशान हो रहे हैं। चिकित्साकर्मी मरीजों के साथ रूखा व्यवहार कर रहे हैं। धौलपुर के राजाखेड़ा में अघोषित विद्युत कटौती से लोग परेशान हैं। पेयजल आपूर्ति भी बाधित हो गई है, लेकिन निगम अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। झालावाड़ के पिड़ावा में ट्यूबवेल से पानी भरने पर विवाद हो गया। तलवार व लाठी से हमले में 3 सगे भाई घायल हो गए। पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अलवर के बहरोड में जिला कलेक्टर मुक्तानंद अग्रवाल देर रात तसीम गांव में आयोजित रात्रि चौपाल के आयोजन में पहुंचे। इस दौरान बरसात और तेज अंधड़ के चलते भगदड़ मच गई। वहीं कुछ देर के लिए जनसुनवाई बंद कर दी गई। बाद में जिला कलेक्टर ने लोगों की समस्याएं सुनी और समाधान किया। इस दौरान सरपंच रेखा देवी ने पानी की समस्या को उठाया और बताया कि मोहल्ले में टैंकर द्वारा पानी की सप्लाई की जा रही है। चित्तौड़गढ़ की गंगरार पंचायत समिति में मेड़ीखेड़ा स्थित रेलवे फाटक आवश्यक रखरखाव के कारण रेलवे प्रशासन द्वारा बंद कर दी जाएगी। भीलवाड़ा चित्तौड़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित फाटक संख्या 81 पर मशीन द्वारा दुरुस्तीकरण के कारण बंद कर दी जाएगी, जिसका यातायात दूसरी तरफ से सुचारू किया जाएगा। भरतपुर के नदवई में नगला जहांगीरपुर निवासी विवाहित दहेज में 2 लाख रुपए मांगने और दहेज नहीं देने पर प्रताड़ित करने का मामला दर्ज कराया। जालौर के भीनमाल में बचपन में हुई सगाई के अनुसार शादी नहीं की तो समाज के पंचों ने हुक्का पानी बंद कर समाज से बाहर कर दिया, जिसके बाद एसपी के निर्देश पर 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। अजमेर के भिनाई में पुरानी पानी की टंकी के पास एक मकान में आग लगने से घरेलू सामान और बाइक जलकर राख हो गई। पीड़ित ने प्रशासन से उचित मुआवजे की मांग की। अजमेर के विजयनगर में सथाना के ग्रामीणों ने तहसीलदार को ज्ञापन देकर देवरिया माता मंदिर का रास्ता खुलवाने की मांग की। रास्ते के अभाव में लोगों को आवागमन में परेशानी होती है। जैसलमेर के पोखरण में बिजली चोरी के खिलाफ डिस्कॉम की सतर्कता दल ने कार्रवाई की। विद्युत चोरी के मामले में 64,000 रुपये वसूले। इंद्रानगर गांव में कार्रवाई हुई। जैसलमेर के फतेहगढ़ में शिक्षा विभाग राम भरोसे चल रहा है। भावग्रस्त ग्राम पंचायत में विद्यालय नहीं खुलते, बच्चों को पोषाहार नहीं मिल रहा है, कागजों में ही पोषाहार चल रहा है। सिरोही के शिवगंज में ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर राज्य के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ब्लड बैंक खुलवाने की मांग की। दुर्घटना होने के बाद घायलों को दिक्कतें होती हैं। भरतपुर के रूपवास में शटडाउन वापस करने को लेकर 2 बिजली कर्मचारी आपस में भिड़ गए। बात भरने पर दोनों में जमकर आपस में लाठी से चले। वहीं जेईएन ने मामले को शांत कराया। दोनों कर्मचारियों ने एक दूसरे के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया। जालौर के जसवंतपुरा में सिरधरी बांध से रसूखदार किसानों द्वारा पाइप लगाकर पानी की चोरी की जा रही है। वहीं चोरी किए पानी से खेती भी की जा रही है। जालौर के रानीवाड़ा में सड़कों पर ओवरलोड वाहन बिना रोक टोक दौड़ रहे हैं। वहीं ओवरलोड वाहनों से हादसे की आशंका है। पुलिस व परिवहन विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। जालौर के आहोर में तख्तगढ़ मार्ग पर सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए सांकेतिक बोर्ड लगाने की कवायद की जा रही है।
झुंझुनू के खेतरी में खेतरी नीमका थाना सड़क मार्ग पर लूणा की ढाड़ी के सीमेंट से भरा चौला पलट गया। दुर्घटना में सड़क किनारे 8-10 बच्चे खेल रहे थे जो बाल बाल बच गए। दुर्घटना होते ही चौला चालक मौके से फरार हो गया। दुर्घटना के पश्चात स्थानीय लोग एकत्रित हो गए। ग्रामीणों ने सड़क जाम करने की कोशिश की लेकिन खेतरी पुलिस मौके पर पहुंचकर समझाइश कर इस मामले को शांत कराया। ग्रामीणों ने बताया कि मुख्य सड़क पर जहां चौला पलटा है अनेक बार दुर्घटना हो चुकी है तथा गत वर्ष इसी स्थान पर हुई दुर्घटना में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई थी। वहीं लोगों का कहना है कि इस स्थान पर ब्रेकर बनाने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग को अनेक बार पत्र लिखे हैं परंतु इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे। जयपुर के दूदू में मीरापुरा गांव में कुछ लोगों ने 25 वर्षों से आम रास्ते पर अतिक्रमण कर रखा था। प्रशासन ने जेसीबी की सहायता से अतिक्रमण को हटवाया। 1 महीने पहले ग्रामीणों ने इसकी शिकायत दूदू एसडीएम से की थी जिसे लेकर ग्राम पंचायत सरपंच मीना देवी और ग्रामीणों ने आपसी समझाइश करवाकर विवाद को सुलझा लिया। नागौर के लाडलू में सिद्धपीठ बालाजी धाम में श्रमदान किया गया। एसडीएम जसवंतगढ़ सरपंच आसूटा सरपंच सहित जनप्रतिनिधियों ने श्रमदान किया। अजमेर के नसीराबाद में यातायात व्यवस्था चरमराई है। सदर बाजार अस्पताल रोड फ्रामजी चौक शहीद स्मारक चौराहे पर फल सब्जी के ठेले यातायात व्यवस्था बाधित करते हैं। भीलवाड़ा के शाहपुरा पालिका उपाध्यक्ष नमन ओझा ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि शाहपुरा में पिछले 3 महीने से जाति और मूल निवास के प्रमाण पत्र नहीं बन रहे हैं जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। भीलवाड़ा के शाहपुरा में आए तेज अंदर से 3 गांव के 10 बिजली के खंभे उखड़ गए और एक मकान क्षतिग्रस्त हो गया लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई। भीलवाड़ा के शाहपुरा में काश्तकारों को विगत फसल के मुआवजे के रूप में राज्य सरकार की ओर से 25.28 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। भुगतान देने की कार्रवाई कोऑपरेटिव बैंक की ओर से की जाएगी। झुंझुनू के खेतरी में ग्रामीण विकास संस्थान के सौजन्य से राजस्व पायलट की 16वीं पुण्यतिथि मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व प्रधानाध्यापक रूपचंद सुराना ने की। संगठन के अध्यक्ष शमशेर चौधरी ने संबोधित करते हुए कहा कि पायलट जमीन से जुड़े हुए नेता थे और उनके आदर्शों पर चलने का आह्वान किया। कार्यक्रम में पायलट की प्रतिमा पर फूलमाला चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जोधपुर के ओसिया पंचायत समिति के नेवरा गांव में पानी की पाइपलाइन बिछाने के बाद भी पानी नहीं पहुंच रहा है जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानी हो रही है। बूंदी के नैनवा पंचायत समिति क्षेत्र में मनरेगा के तहत चल रहे कार्य में 70 वर्षीय महिला तप्ती दोपहरी में अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए मेहनत करने को मजबूर है। सीकर के धोध पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक में शुक्रवार को हंगामा हो गया। बैठक में प्रधान ओम प्रकाश झीगर उप जिला प्रमुख शोक सिंह सहित प्रशासनिक अधिकारी व सदस्य मौजूद थे। सरपंच ने झूलाछाप चिकित्सकों का मामला उठाया जिस पर शोक सिंह ब्लॉक सीएमएचओ को पक्ष लेने लगे। इस पर सरपंच और उप जिला प्रमुख के बीच जमकर बहस शुरू हो गई। काफी देर तक सदन में हंगामा होता रहा। बाद में कई सदस्यों व प्रधान ने मामले को शांत करवाया तब जाकर मामला शांत हुआ। बाद में धोध इलाके की कई समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हुई। समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। बाड़मेर के गुड़ामालानी में आवारा श्वानों का आतंक बना हुआ एक चिंकारी को घायल कर दिया गया। वन्यजीव प्रेमी भवनलाल विश्नोई ने क्षेत्रीय वन अधिकारी को घटना की सूचना दी लेकिन टीम करीब 5 घंटे बाद मौके पर पहुंची। जैसलमेर के नाचना में नहर की पुलिया गिर गई हालांकि बड़ा हादसा टल गया। घटना हवाई गांव के पास की है जहां सड़क मार्ग अवरुद्ध हो गया। जालौर के चितलवाना में दुकानदार धड़ल्ले से पॉलिथीन बैगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रशासन कभी कभार अभियान चलाकर खाना पूर्ति कर रहे हैं। चित्तौड़गढ़ के आकोला में रमजान महीने के पहले जुम्मे पर कई लोगों ने नमाज अदा करते हुए शांति अमन चैन की दुआ मांगी। और खबर पंचायत में फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ।